ये लेक्चर नंबर दो है जो मात हस्तम के लिए उर्दू सलेबस है और इसका सबक है अदब की अहमियत इसका पहला सवाल है अल्फाज के मानी लिखे आपने काला बनाना है एक तरफ अल्फाज और दूसरी तरफ मानी इसके अल्फाज हैं हैरत अंगेज़ हैरान कन तोन बराबर मतन असल तहरीर वज़ाहत तशरी दाद शाबाश अबूर पार करना तर्ज अमल काम करने का तरीका तकरीम, इज्जत दस्तूर तरीका तहरीर लिखी हुई चीज जुड़ा हुआ आला बेहतरीन मुआरिफ, पहचान मिलाप मिलना आगे सवाल नंबर दो है सवाल के जवाब लिखे पहला सवाल है गैर अदबी तहरीरें कौन सी होती है सवाल निशान अब आगे जवाब आप लिखेंगे साइंसी जोग्रफियाई नफसियाती अखबारी खबरें और सहाफती काम गैर अदबी तहरीरों में शुमार की जाते हैं उसके उसके बाद अगला सवाल है अदबी तहरीरें कौन सी होती हैं इसका जवाब है ऐसी तहरीरें जिनमें हकैक़ के साथ साथ जज्बात का बहवी मिलाप हो अदबी तहरीरें कहलाती हैं उसके बाद अगला सवाल है अदब का मताल हमें किन चीज़ों में फ़र्क करना सिखाता है इसका जवाब है अदब का मताल हमें खैर और शर में फ़र्क करना सिखाता है माशरे की अच्छी और बुरी अकदार को परखने में मदद देता है और उसके बाद अगला सवाल है कि बनवामैया के दौर में अदब का लफ्ज़ किन मानी में रज हुआ इसका जवाब है कि बनुमैया के दौर में अदब का लफ्ज़ शायरी और तरीरों के लिए रायज हुआ आगे सवाल नंबर तीन है कि अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करें इसका भी आपने कलम बना लेना है एक तरफ अल्फाज और दूसरी तरफ जुमले इसका अल्फाज है शाइतगी इसको हमने जुमले में इस्तेमाल करना है दूसरों के साथ शाइतगी से बात करनी चाहिए अगला लफ्ज है हमारे पास तमीज बड़ो के साथ तमीज से पेश आना चाहिए हैरत अंगेज चीन ने थोड़े अरसे में हैरत अंगेज तरक्की की है खैरोर इस्लाम हमें खैरो शर की तमीज सिखाता है एहसास एहसास मुरत को कुचल देते हैं आला लेक्चर नंबर दो जो है ये कंप्लीट हो गया जी